शौर्य दिवस के अवसर पर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भरनू व सिसई के संयुक्त प्रधान भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली सिसई से शुरू हुआ, जिसका स्वागत दुम्बो मंदिर के पास भरनू के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। बाइक रैली में जय श्री राम के नारों की गुंज, राष्ट्रीय ध्वज और भगवा व सरना ध्वज के रंग में पूरा भरनू व सिसई मुख्यालय क्षेत्र पटा नजर आया। बाइक रैली सिसई के माघी बगीचा से निकलकर भरनू के लिए प्रस्थान हुई। इस क्रम में भरनू के डुम्बो मंदिर के समीप बजरंग दल भरनू द्वारा सभी का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद बाइक रैली भरनू के प्लस टू हाई स्कूल मैदान जनसभा स्थल पहुंची। रैली में हजारों की संख्या में विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ता सैकड़ों बाइक में सवार जय श्री राम, राम जी की निकली सवारी, सरना सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, सेवा व्रत संस्कार सुरक्षा बजरंग दल का नारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, किया था जो वादा वो हम निभाएंगे, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे के नारों व गीतों के साथ पूरे जोश व उत्साह के साथ रैली में कार्यकर्ता हिंदू सरना सनातन धर्मावलंबी शामिल हुए। समझाइएगा कि नहीं समझाइएगा, उसी भाषा में समझाएंगे, सामने वाला जिस भाषा में समझना चाहता है बजरंग दल उसी भाषा में समझाएगा, एकदम तैयार रहना है। हमको डरने का आवश्यकता नहीं, बजरंग दल डरता भी नहीं है। डरता है क्या? हमको डरना नहीं है, किससे डरेंगे? कोई विदेश से हमारे देश में आके हमारे देश को टुकड़ा करने के लिए चाहेगा और हम खड़े रहेंगे क्या? तो क्या करेंगे? कोई हमारे मोहल्ले में आकर हमारे हिंदू बहन को कहेगा लेके जाएंगे, नहीं तो एसिड डाल देंगे, वो करने देंगे क्या? हमारे मोहल्ले में धमकी देते हुए घुस गया और आसानी से अपने दोनों पांव पे चला जाएगा, जाना चाहिए क्या? तो फिर क्या करना है? हमको लव जिहाद बर्दाश्त नहीं है, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। फिर बहने फिर क्या करेंगे? आप भी कॉलेज जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं, बाजार तो आते हैं ना, अपने पैकेट में मिर्ची का पाउडर रखिए, एकदम बिना डरे हुए मिर्ची का पाउडर रखिए। अगर कोई विदर्भी आपके तरफ आग भी उठाता है तो आग फोड़ दीजिए, बजरंग दल आपके लिए खड़ा है, बजरंग दल आपके लिए खड़ा, एकदम निश्चित होके निडर होके सड़क पर घूमिए, कॉलेज जाइए, कोई भी विधर्मी आपके तरफ आकर नहीं उठाएगा। ये संकल्प ले लीजिए आज के बाद, अपने सुरक्षित रहने के लिए और अपने आपके पड़ोसी में जो भी बांध रहती है उनके सुरक्षित रखने के लिए आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। फिर बजरंग दल का कार्यकर्ता क्या करेगा? अभी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ था ना, एक हेल्पलाइन नंबर जारी, तो आपके जिले में भी जिला संयोजक है ना, आपके प्रखंड में भी प्रखंड। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।